हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम कुछ फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और इसके बारे में अगर हमें सही नॉलेज नहीं होता है कि किस चीज़ का क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक स्विस बॉल, CPM मशीन, स्वेल्डर व्हील, फिंगर लेडर, मेडिसिन बॉल, पैरेलल बार एंड इक्विलिब्रियम बोर्ड। मींस जितने इक्विपमेंट हैं इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे क्या होता है, किसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्विस बॉल इज अ लार्ज इन्फ्लेटेड बॉल मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये एक लार्ज इन्फ्लेटेड बॉल होती है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती है एंड फिल्ड विद एयर, जो कि एयर से फिल्ड होती है। इसका हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। इसमें हम बैलेंस एक्सरसाइज पेशेंट को करवाते हैं और इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स रिज बना होता है जो कि फ्रिक्शन को जनरेट करने में हेल्प करता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने बताया बैलेंस एक्सरसाइज करवाते हैं तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए करते हैं। वेस्टिबुलर डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए स्विस बॉल का यूज करते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी के पेशेंट में स्विस बॉल का यूज करते हैं एंड लंबर पेन के पेशेंट में, बैक पेन के पेशेंट में यूज करते हैं। देन वीकनेस ऑफ ट्रंक मीन्स जो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट होते हैं जिनका ट्रंक वीक होता है उनको ट्रीट करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हम स्विस बॉल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये हमारी स्विस बॉल हैं जिनका हम यूज करते हैं। सो देखते हैं अब इसकी यूज एक्चुअल में क्या है। जैसे कि हमने बताया इसके बेनिफिट्स ये हैं, फॉर पॉस्चरल ट्रेनिंग, किसी पेशेंट की हम पॉस्चरल ट्रेनिंग अगर दे रहे हैं तो उसमें स्विस बॉल का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी पॉस्चरल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। देन अगर बात करें हमें बैलेंस ट्रेनिंग देना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेड कंट्रोल ट्रेनिंग देना है CP के पेशेंट्स में तो उसमें ज़रूरी होता है। और ट्रंक एंड लिम्ब की मसल की स्ट्रेंथनिंग अगर करनी है तो उसमें भी हम स्विस बॉल का यूज करते हैं। तो फर्स्ट बनिश था स्विस बॉल, जैसा कि हमने इसे डिटेल में देखा, बेसिकली बैलेंस ट्रेनिंग में इसका यूज हम करते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें शोल्डर व्हील, इट इज मेनली यूज फॉर दी पर्पज ऑफ शोल्डर रिहेबिलिटेशन। शोल्डर के जो पेशेंट होते हैं लाइक फ्रोजन शोल्डर एंड जितने भी शोल्डर के प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए शोल्डर व्हील का यूज करते हैं। ये मेटल की भी बनी हो सकती है या लकड़ी की भी बनी हुई हो सकती है। इसका यूज हम करते हैं टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन ऑफ दिस शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। अपर लिम्ब की मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए करते हैं एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पर्पज के लिए भी शोल्डर व्हील का यूज हम करते हैं। देन अगर हम देखें कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं, किस किस कंडीशन में हम शोल्डर व्हील एडवाइस कर सकते हैं, तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने कुछ मेंशन किया है, फ्रोजन शोल्डर, पेरी आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर, पोस्ट ट्रामेटिक स्टिफनेस ऑफ शोल्डर एंड वीकनेस ऑफ शोल्डर मसल्स। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं, वैसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें हम शोल्डर व्हील जो है एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो सकती है, मसल की स्ट्रेंथनिंग और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारे जो मॉडलिटीज है वो है CPM मीन्स कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट। एक मशीन होती है जो कि इसमें हम पैसिवली पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं। इट प्रोवाइड कंटिन्यूस पैसिव मोशन टू द अप्लाइड जॉइंट, जिस जॉइंट में हम सेट करते हैं वहाँ पर कंटिन्यूस पैसिव मोशन प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटर्स कैन बी यूज इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन के बाद भी यूज किया जा सकता है टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन, पेन रिड्यूस, पेन डिस्कम्फर्ट एंड हीलिंग को बढ़ाने के लिए, पेन को कम करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए। जस्ट ऑपरेशन के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं और कुछ दिन के बाद भी इसका हम यूज कर सकते हैं। दिस मशीन इज एडजस्टेबल होती है, इजिली कंट्रोलेबल होती है, वर्सटाइल होती है एंड यूज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, और इसे हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम इसको यूज करते हैं CPM मशीन, तो फर्स्ट वन जैसे इमेज में आपको शो हो रहा है, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, तो रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन इम्प्रूव फ्लूइड डायनेमिक्स, जो फ्लूइड डायनेमिक्स है वो इम्प्रूव होता है अगर इसका हम यूज करते हैं। साथ ही साथ प्रिवेंट्स एडहेशंस फॉर्मेशन, अगर जॉइंट के बीच में एडहेशंस का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टिफनेस जनरेट हो रही तो उसको प्रिवेंट करता है। इन्हेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द जॉइंट, और जॉइंट में सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्रीज होगी तो न्यूट्रिशंस की स्टेटस को भी मेंटेन करके रखता है अगर हम CPM का यूज करते हैं। साथ ही साथ रिड्यूस जॉइंट डिफ्यूजन रिड्यूस होता है एंड हीलिंग फैसिलिटेट होती है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वो है फिंगर लेडर।
फिंगर लेडर, इट इज अ वुडन डिवाइस विच गिव द ऑब्जेक्टिव रेनफोर्समेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव रेनफोर्समेंट होता है एंड मोटिवेशन टू द पेशेंट फॉर इम्प्रूविंग शोल्डर रेंज ऑफ मोशन। इसमें भी शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करते हैं लेकिन इसमें रेनफोर्समेंट हम देते हैं एंड मोटिवेशन पेशेंट को देते हैं। इट आल्सो फीडबैक टू द पेशेंट अबाउट इम्प्रूवमेंट, और इससे पेशेंट को फीडबैक भी मिलता रहता है, अच्छा आज हमने इतना किया, कल हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो पेशेंट को विजुअल फीडबैक मिलता है। इसका हम यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग रेंज ऑफ मोशन, फॉर इम्प्रूविंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर लिम, इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका बाकी अदर भी यूज है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो जो इंडिकेशंस हमारे शोल्डर व्हील के थे वही इंडिकेशंस हमारे फिंगर लेडर के भी होते हैं, लाइक फ्रोजन शोल्डर, लाइक पेरीआर्थराइटिस, लाइक पोस्ट ट्रामेटिक स्टिफनेस ऑफ शोल्डर, लाइक वीकनेस ऑफ शोल्डर मसल्स। तो ये चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें पैरेलल बार। अब हम हर एक डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में देखते हैं कि पैरेलल बार रखा होता है। तो एक इक्विपमेंट है यूज इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हैज गॉट टू हॉरिजॉन्टल, इसमें टू हॉरिजॉन्टल फ्रेम होते हैं एंड फोर वर्टिकल फ्रेम होते हैं। तो इस बीच में एक सेंट्रल डिवाइडर होता है जिससे कि लेग जो है पेशेंट का क्रॉस ना करे। ये पोस्चरल करेक्शन के लिए इसमें एक मिरर भी लगा हुआ होता है एक एंड पर, जो कि स्टैंडिंग टॉलरेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इम्प्रूव करता है, गेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करता है, पोस्चरल करेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेज क्या क्या हैं। जैसा कि हमने बताया गेट ट्रेनिंग में इसका यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको इमेज में पैरेलल बार दिख रहा है, तो ये जो है गेट ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, पोस्चरल ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, ट्रंक कंट्रोल ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग में विद आर विदाउट सपोर्ट, देन स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ लोअर लिम, तो इन सब के लिए हम पैरेलल बार का यूज कर सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा है मेडिसिन बॉल। अब देखिए वहाँ की स्विस बॉल, ये है हमारी मेडिसिन बॉल, इट इज अ लेदर बॉल विच हैज़ गॉट मेनी लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग लेयर होती हैं। इट हैज़ गॉट आउटर लेयर, जो इसकी आउटर लेयर होती है थिक होती है और लेदर की बनी होती है, जो सेकंड लेयर होती है वो फोम और कोर की बनी होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो स्टोन चिप्स और सैंड से फिल्ड होती है, द कोर एंड फोम इज द फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी टू द पेशेंट अनडायरेक्टेड। जो हमारा कोर होता है मीन सेकेंड लेयर वो फोम और कोर होता है, तो ये जो कि डायरेक्ट हिट हो जिस इंजरी ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए ऐसा होता है। इसका यूज हम करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ अपर लिम मसल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो खासकर इसे हम पैराप्लेजिक, हेमिप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पेशेंट विद स्टिफ हिप, आई एंड आई हाई कोऑर्डिनेशन, देन मेंटेनेंस अपर लिम, मेंटेनेंस ऑफ अपर लिम मोशन, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मेडिसिन बॉल का। देन अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम बोर्ड, तो इक्विलिब्रियम बोर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं, जैसा कि नाम ही इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं, तो ये वुड या मेटल का बना हुआ होता है, लाइक हेमिप्लेजिक पेशेंट, सेंसरी अटैक्सिया, स्टिफनेस ऑफ एंकल एंड सेरेब्रल फंक्शनिंग, वीकनेस ऑफ एंकल मसल्स, इम्बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक सीपी के पेशेंट में, पैराप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम बोर्ड का यूज करते हैं जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब ये है कि इसके लिए इसके यूज क्या क्या है, तो ये मसल की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये हमने अभी कुछ इक्विपमेंट की बात की, लाइक स्विस बॉल हो गया, सीपीएम मशीन हो गया, शोल्डर व्हील, फिंगर लेडर, मेडिसिन बॉल, देन हमारा हो गया इक्विलिब्रियम बोर्ड, तो ये सारे इक्विपमेंट थे। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट और भी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस इक्विपमेंट का क्या यूज है, जिससे हम आसानी से सेलेक्ट करके और उसका अच्छे से यूज करें जिससे हमारे पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।